जब नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, उन्होंने जर्मन जाना था ब्रह्मा के रास्ते, जिसको आज म्यांमार कहते हैं। मेहर सिंह भी वही म्यांमार में शहीद हुआ था, ब्रह्मा के बॉर्डर पर। एक सराय में रुक जाते हैं, उस समय व्यापारी साहूकार या प्रतिष्ठित लोग सरायों में रुकते थे और उनका संचालन एक सुंदर सी भठियारी करती थी, उसको बैठा दिया जाता था। भठियारी ने सोची कि बंगाली बाबू है, गणे पगले रहा है, उसने के बेरा था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, छुरा लेके मारने आ जाती है। नेताजी ने बोला, भठियारी तुमने मारा तो है, पर न्यू रोएगी चुकर बनजारा रोया था कुत्ते ने मार गया। भठियारी छुरा अलग रख देती है और ने बोली, परदेशी न्यू बताओ क्यों रोया, कौन बनजारा था, कौन कुत्ता था, क्यों उसने मारा, और ईसा के रोया तो मिसाल बनगी तो क्या बताता है। हम छत्री राजपूत जाति के एक समय की बात है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, एक लखी शाह बनजारा हुआ, बहुत बड़ा साहूकार, उसने कुत्ते का पिल्ला पाल लिया। बनजारा एक जाति होती थी बनियों जैसी, ये बनजारे नहीं है, गड्डिलवार। उनके बनाए हुए आज भी कई गांव में कुएं मिल जाते हैं, व्यापारी लोग थे वो। यहां से कहानी चलती है, कुत्ता पाल लिया फिर क्या हुआ। ओ एक समय का जिक्र करूं, एक लक्की था बनजारा, तीन से सब लंबा लारा, फिर सारे के वो बनज करे था, न्यू मोटा सा हुकारा, और बालकपन में एक पड़ा गुजरू जो लग जानते प्यारा, हर गलम में पट्टा मथ टिका, गलम में पट्टा मथ टिका, और बाकी का रंग काला। Thank you.
ये स्वर्गीय जीतराम जी के पड़पोते 100 रुपये नाम के देते हैं। बड़ा धन्यवाद। उस समय बंजारे ने लाहौर से आगरा जाना था, परमात्मा की कृपा से ऐसी घटनाएं हुई, सारा परिवार खत्म हो गया और अरबों खरबों की संपत्ति नष्ट होगी, दो जीव रह गए, कुत्ता और बंजारा। सबसे पहले आदमी ने सोचा भाई वो पेट भर जा, आदमी आल भी जब बकर भर लिया इतना कोना करे। एक सेठ के पास जाता है और 20,000 रुपये में उस कुत्ते को गिरवी रखता है। बनिया की बड़ी श्याणी कौम हो, 20,000 का कुतरू, उस समय तो बहुत बड़ी पूंजी होती थी। फिर ये बात सोचकर इतना बड़ा साहूकार और इसका गुठा तेरी बही में लगेगा, दे दे नया बात कर देता ही रह जाएगी। गिन दिए कैसे, लाहौर शहर ते बंजारे ने अपना टांडा ठाया, कई रोज होए तलते तलते शहर आगरे आया, डलती फिरती छाया हो टोटे में गड़ा सताया, एक लल्ला पे आजकल उसने अपना कर्ज कढ़ाया, 20,000 रुपये ले गए, 20,000 रुपये ले गए, दिया कुत्ता छोड़ रखा जी। शिव कुमार जी 500 रुपये नाम के देते पहलवान जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। बीस हजार रुपये गिन के बंजारा तो चला गया और वो कुत्ता सेठ के यहां रहने लग जाता है। उस भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक साल के बाद सेठ जी का चोरी होगी, डकैती पड़गी, और जब यह कार्रवाई होती, जब कुत्ता गाल में खड़ा खड़ा देखे था भौंक्या नहीं, इसलिए नहीं भौंक्या, अग तू भौंकेगा तो कुणबा जाग जाएगा, नहीं पड़ोसी जाग जाएंगे, ये डाकू सब क्या है ना मार जाएंगे, और बंजारा इनका मेरा काला मुंह करवा दिया तने। जब वह चोर धन निकाल के ले गए, कुत्ता उनके पीछे पीछे चल देता है। उस समय ये रुपये नहीं थे, चांदी के रुपये होया करते, रुपया एकन्नी दवन्नी पीला पीसा डपली पीसा सब ते छोटी दमड़ी होया करते। इतना धन लिकड़िया के चोरों से चल्या कोन्या, एक स्याणा चोर के लागे भाई एक काम करो, इस जोड़ में दाब दो, सेठ के दादा काटे लाए फुर्सत में ले जाएंगे,
उस धन को जोड़ में दबा देते हैं। सड़कें किल की पाटी वाई सेठ जी का चोरी होगी टकैती पड़गी। लोग इकट्ठे हो गए, अरो कुत्ता लाला जी की धोती का पल्ला पकड़ के खींचे कू कू। एक श्याण आदमी ने बोला भाई यो जीव है यो कुत्ता के मैं कैसे, सारा शहर उस कुत्ते के पीछे पीछे चल देता है। और कुत्ते ने गोते मार मार के उस जोड़ में थे रुपया की सारी थैली सेठ जी के कदमों में रख दी। फिर ने बोला भाई सब के मैं संभाल लिया। जब ने बोला रहा उसके तो ठीक मांगा था, 20,000 गलत नहीं मांगा था, क्या कहा। ओए लाला जी के चोरी होगी एक साल में, चोरा ने जब तल कटा वो कुत्ता खड़ा गाड़े में, चोरा ने धन लूट लूट के दापिया एक ताले में, ये रतन लकड़िया जब पीली पट्टी वो कुत्ता लाया मारने। हर लाला जी दे राजी हो गया, लाला जी दे राजी हो गया, भाई दमड़ी तलक संभाला। सौदानियों का न्यू पा गया, सेठ जी माथे का हाथ लाके बैठ गया। ओए होए भाई बंजारा ने ठीक मांगे था, इसके 20,000 गलत नहीं मांगे था। और वहीं पे कलम और दवात मंगा लेता है। ये 100 रुपये भाई साहब ने और दिए, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और बंजारे के नाम एक चिट्ठी लिखता है। भाई बंजारे राम राम, और तेरे मेरे वो 20,000 रुपये तेरे इस कुत्ते ने पूरे कर दिए। भाई वह रुपये मनाए मान लिए, तेरा आंख उतार दिया मने। यदि तने 10-20-30 हज़ार की लाख की 2 लाख की और जरूरत हो रुपये और ले जा, और मैं तेरी अमानत को तेरे पास भेज रहा हूं। और वो चिट्ठी लिख के कुत्ते के गल में बांध दी। नवला जा भाई, नम आंखों से विदाई दी रोते हुए, जा मेरे लिए भगवान बन कहा था अपने मालिक के पास जा। कुत्ता स्याणा था, 10-5 दिन जंगल बियाबान में घूमया और उसने बंजारे को ढूंढ लिया। बंजारा टोटे के हालात में लेटा होया कौन ही कताने, और दूर से कुत्ता आता दिखाई दिया। कहे लक्ष्मीचंद बिना बेचारे बात सभी हैं तो थी, विचार कोन्या करया उल्टी सोच गया। अक्षेठ के तो भाज यार मेरी हिणी करवा दी, मेरा अरबों खरबों का धन गया, परिवार गया, मन अपनी हिणी नहीं होने दी, और आज इस कुत्ते की वजह से मेरी हिणी होगी। देसी कट्टे से गोली मार देता है, कुत्ता फड़फड़ा के मर जाता है। हिंदू धर्म में एक आस्था है कि मरे जीव को माटी देना, जब खड़ा खोद के उसको माटी देने लग गया, कुत्ते की जीभ निकली हुई और गल में वो बंधी हुई चिट्ठी उस जीभ पर पड़ी। और बंजारे की नजर जब चिट्ठी पर पड़ी और उसने वह पढ़ी तो बताते हैं इतना पछतावा हुआ
आंसुओं की जगह खून की धार आई। हे भगवान, इतनी भारी गलती, आंसुओं की जगह खून आया, ऐसा रोया कि आज तक वो मिसाल बनेगी, अग बन जा रही डाल रोएगी। क्या कहता था मैं, ओए अपना फर्जी निम्बा के कुत्ता वहां से चला बेचारा, पांच सात से रोज चलिया, जब मिलिया वही बनजारा। अरे बनजारे ने तीन जान के वो कुत्ता जीत मारा, फिर कलम में बंदी वो चक्की देखी हाथ फिर पुचकारा, और चिट्ठी पढ़ के रोवन लग्या, चिट्ठी पढ़ के रोवन लग्या वो लक्ष्मी जाटी आला। ₹100 और दिए।